अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हम कॉपी वर्क करेंगे एडिशन सम्स विद कैली। मैंने आपको पहले बुक पेजेस सोल्व करवाए थे और होमवर्क में भी दिए थे। आज हम अपना कॉपी का वर्क करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपने अपनी रफ कॉपी पर करने हैं और उनको सोल्व करना है। ओके, देखें 110 यूनिट आपने बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग में अपनी कॉपी को प्लान करना है, रफ कॉपी को। उस पर ये क्वेश्चंस लिखने हैं। 24 में हम प्लस करेंगे 8। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38 एंड 56। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 369 और उसमें ऐड करेंगे 8। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन 110 यूनिट 539 उसमें हम प्लस करेंगे 37। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 625 उसमें हम प्लस करेंगे 235। आपने 110 यूनिट HTU ऐसे ही रफ कॉपी पे लिखना है। फिर आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, प्लस का साइन लगाना है और नीचे टू लाइंस ड्रॉ करनी है आंसर लिखने के लिए। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन 110 यूनिट 543 उसमें हम माइनस करेंगे 184 यानी कि 184 और प्लस का साइन भी लगाएंगे। ये क्वेश्चन बेटा आपने रफ कॉपी पे लिखने हैं। बहुत जैसा सब क्वेश्चन अपने रफ कॉपी पे लिखें और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद मैं आपको इसकी सॉल्व पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये देखें बेटा, ये आपके सॉल्व क्वेश्चन हैं। देखें 24 में 3 प्लस किया, इसमें कैरी भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। 32 इसका आंसर है। ओके, प्लस का साइन अपने मस्त लगाना है। 32 आप देखा 38 में 6 प्लस करेंगे 14 का बाद हमने कैरी दिया 3 को, और देखें ज़रा, और कैरी ऐड करेंगे 3 में 4 और 4 में 5 प्लस करेंगे, आंसर इज 9। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन 9 में हम प्लस करेंगे 8, 9 में 8 प्लस करें, आंसर इज 17। यस, 17 का 7 यहाँ, 1 हमने कैरी दिया 6 में, और 6 में आप फिर 1 प्लस करेंगे 7। 7 को हमने एज इट इज़ लिखा क्योंकि 7 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, और 3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में हम प्लस करेंगे 7 को, क्या आंसर आएगा? यस, द आंसर इज 16। 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे, 1 देंगे कैरी, ठीक है। आप देखें 3 में हम कैरी को ऐड करेंगे, आंसर इज 4। अब 4 में ऐड करेंगे 3 को, सो आंसर इज 7, और ठीक है। और 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, 5 को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन 110 यूनिट 5 में 5 को प्लस करें, आंसर इज 10। 10 का 0 हम इधर लिखेंगे और 1 हम कैरी देंगे 2 को, ठीक है। अब 2 में पहले हम 1 को प्लस करेंगे, 2 को 1 प्लस किया 3, 3 में 3 ऐड किया, आंसर इज 6। यस, द आंसर इज 6। अब 6 में देखें कोई डिजिट नहीं बचा, 6 को हमने लिख दिया। ओके, कोई कैरी भी नहीं बचा। नाउ अब 6 में 2 को प्लस करेंगे, द आंसर इज 8। नाउ मूव दिस क्वेश्चन 4 में 3 प्लस करेंगे, आंसर इज 7। ओके, आपने फिंगर्स पे काउंट करना है। मैंने आपको जो बुक पेजेस करवाए हैं उसे मैंने आपको बताया कि आपने जब भी एडिशन करना है अपने फिंगर्स पे काउंट करके फिर करना है। अब 4 में 8 प्लस करें, आंसर इज 12। 12 का 2 विल बी राइट हेयर एंड 1 हम कैरी देंगे 5 को। नाउ सबसे पहले हम कैरी को ऐड करेंगे 5 में, आंसर इज 6। 6 में ऐड करेंगे 1 को, आंसर इज 7। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने समझाए हैं। पहले मैंने आपको बुक पेजेस पे भी समझाए हैं, यहाँ भी बताया है। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी पर लिखना है बहुत ही ब्यूटीफुल और नीट राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, वो सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को इस सॉल्व पेज के साथ मैच करना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। और बेटा एक क्वेश्चन को आपने 5 टाइम करना है, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है। आप बार बार करेंगे और आपके फिर बार बार मिस्टेक्स भी होंगे, और जितनी दफ़ा आपकी मिस्टेक होंगी आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ आएगा। सॉल्व करने के बाद अपनी मामा को या अपने ट्यूटर को आपने चेक करवाना है, ठीक है। और ये कॉपी का वर्क आपने स्कूल में जमा भी करवाना है, इसलिए बहुत नीट और खूबसूरत राइटिंग में करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़।